अंदर गाड़ी है उसको बॉर्डर नहीं है अंदर, वो खाली गाड़ी पड़ी है और उसको पहले प्रेशर नहीं पड़ रहा, चल रहा है इनको प्रेशर नहीं पड़ा पानी का, अचानक लग गया आप समझ नहीं आ रहा कैसे लगी आप, ये समझ नहीं आ रहा अंदर पैर का काम कर रहा चल रहा था कारीगर अभी भी इनके पास है, अब और कैसे लगे वो ऊपर वाला जाने, चौथी दफा है इसको, चार बार लगे तीसरी चौथी बार और भी ऊपर वाला जाने ना, हम यही रहते हैं, हम हमने देखा है मिट्टी वाली बुखारी जा रही है, ये मेरा भाई है मिट्टी वाली, मैंने बोला ये आग ये दौड़ के गए इनके ऑफिस है यहाँ पर फला पड़ा ले गया उनको, फिर मैंने उठा के डाला फायर वालों को पोस्ट और बोला कहाँ पर मैं मंजूर करने के समय आग है, बोलते हैं एलडी में गाड़ी उनको बुला गया दौड़ने उधर से गाड़ी आई, उनको थोड़ा टाइम लगा प्रेशर बनाने में पानी को, उसके 5 मिनट में पूरी गाड़ी तो आ गई ऑन द स्पॉट, गाड़ी अपने प्रेशर बनने में टाइम लगता है, फिर पता है लकड़ का काम है अंदर पैर का काम चल रहा है, पावर था शॉर्ट ये उधर बैठे पेंटर शॉर्ट पावर तो चल रहा था, मेरी दुकान यहाँ ये अंदर घुस गया तो मैंने रिफ्लेक्शन देखी लाइट की, तो मैंने बोला ये क्या है, जब मैंने देखा कि इस जो यहाँ पे रूम है इस रूम से थोड़ी सी आग थी, तो मैंने इनको बोला यार शायद आग लगी हुई है, तो आते बोलने लगे मैंने ये शायद हो सकता है किसी ने कांगड़ी के लिए जलाया हो कुछ, नहीं ये आग है, तो मैं अंदर गया नीचे का डोर मैंने दरवाजा खोला, जब मैंने दरवाजा खोला मैंने आवाज दी कोई है कोई है कोई नहीं था, तो मैं ऊपर चढ़ा, जब मैं ऊपर चढ़ा मैं देखता हूँ डोर जो है ऊपर वाला उसमें आग लगी हुई है, जब उसमें सिर्फ उसी पे लगी हुई है, इतनी ज्यादा फैली नहीं थी, तो मैं नीचे था मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तो विद इन 5 मिनट्स फायर ब्रिगेड आई है, इस घर में अभी कोई नहीं रहता, ये रिसेंटली रेनोवेट, ये बिल्डिंग रिसेंटली रेनोवेट हुई है, काफी टाइम से काम चल रहा है, पेंट का काम चल रहा है, लाइक एक मंथ भी नहीं हुआ होगा इसको, फ्रेशली पेंटेड हुआ है सब कुछ, लाइक टोटली न्यू रेनोवेट हुआ है। एट अबाउट 7:59 PM वी गॉट अ कॉल फ्रॉम स्टेट फायर कंट्रोल रूम दैट फायर इंसिडेंट हैपेंड, इमीडिएटली डिफरेंट फायर टेंडर्स वर पुट इनटू ऑपरेशन, अपॉन अराइवल एट द स्पॉट ऑफ फायर फायर फाइटिंग ऑपरेशन वॉज लॉन्च, वी सॉ 3-story रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर वॉज इन्वॉल्व, तो हमारी कोशिश थी हमारे जो जवान थे उन्होंने फायर को कन्फाइन करने की कोशिश की एंड वी वर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट, सो फार देर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी एंड फायर हैज बीन सक्सेसफुली रेस्ट्रिक्टेड टू द इन्वॉल्वमेंट, अगर हम फायर स्टैटिस्टिकली देखें तो विंटर सीजन में आग जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा लगती है समर सीजन के मुकाबले में, तो लोगों से ये गुजारिश है कि जो अपने घर में हीटर गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं LPG सिलेंडर बेस्ड जो हीटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो पूरे टूल्स एंड डोर्स पे अमल करें, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कई बार आग लग जाती है, अपना जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है उनका इलेक्ट्रिक ऑडिट एनुअली कराएं, तो लोग जितना डूज एंड डोंट्स पे अमल करेंगे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमें फायर इंसिडेंट से गिरावट देखने को मिलती है।